गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हिंदी अभ्यास पत्रक में लिखिए और पढ़िए, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और लिखिए और पढ़िए में बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों को हमें क्या करना है? लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। ओके, तो ये आपको कौन सी बुक में मिलेगा? ये है आपकी बुक थीम सिक्स, और थीम सिक्स की बुक में पेज नंबर 3535 में ये वर्क पूरा दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है बच्चों, हम इसे आपको बोर्ड के थ्रू समझा रहे हैं, सो प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड प्लीज। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास वर्क में देखिए हिंदी अभ्यास पत्रक, है ना। हिंदी अभ्यास पत्रक में देखिए क्या दिया हुआ है, लिखिए और पढ़िए। ये हमारे पास कुछ वर्ण दिए हुए हैं जो कैसे बने हुए हैं, बिंदु बिंदु के द्वारा। तो इन्हें हमें क्या करना है, बिंदु बिंदु के द्वारा जो बने हुए वर्ण है इन्हें हमें क्या करना है, मिलाना है, कंप्लीट करना है और लिखना है। ओके, और साथ में पढ़ना भी है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या बना हुआ है, देखिए ये हम बिंदु बिंदु को मिला रहे हैं, ये हमने बिंदु बिंदु को मिलाया, और बिंदुओं को मिलाने पर हमें कौन सा वर्ण प्राप्त हो रहा है, क्या दिख रहा है बताइए, इसे क्या बोलेंगे? ये है वर्ण या, क्या है बच्चों, या। देखिए ये है हमारे पास फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड में हमारे पास ये वर्ण लिखा है या, और या से हमने बताया था कौन कौन से शब्द बनते हैं, या से यज्ञ, या से यात्री, है ना, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो ये हमें क्या हुआ, वर्णों को सॉरी बिंदुओं को मिलाने पर यह वर्ण प्राप्त हुआ है, है ना, ये देखिए। और अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पर, फिर बॉक्स में, आगे वाले बॉक्स में हमें इसको लिखने की प्रैक्टिस करना है। देखिए किस प्रकार से लिखना है, या, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बना, या वर्ण कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास बिंदु बिंदु के द्वारा बने हुए हैं, इन बिंदु बिंदु के द्वारा बने हुए वर्ण को क्या करना है, हमें ऐसे मिलाना है और कंप्लीट करके ऐसे लिखना है। तो ये क्या बना, क्या है ये, र, क्या है बच्चों, र, है ना। और रासे कौन कौन से शब्द बनते हैं बताया था हमने, रासे रस्सी, है ना, और रासे बहुत सारे और भी शब्द बनते हैं। और फ्लैश कार्ड में देखिए हमारे पास ये है, क्या है ये, र वर्ण। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करना है, देखिए किस प्रकार से लिखना है इसे, र र से लड़का,
ला से लड़की, ला से लट्टू, ला से और क्या बनता है लकड़ी, है ना, और ला से लड्डू, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो ये ला वर्ड की हमने क्या किया, प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। अब इसी प्रकार से अगला वर्ड देखिए, ये है हमारे पास बिंदु बिंदु के द्वारा बना हुआ वर्ण, और ये वर्ण कौन सा बना है, ये है वर्ण व। क्या बना, व। और बच्चों व से कौन कौन से शब्द बनते हैं, देखिए हमारे पास ये है फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड में जो व लिखा है इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, इससे बनते हैं वन, है ना, ये जो व लिखा है इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, व से वन, व से वर्षा, व से वकील, और व से वर्दी। हमने आपको पहले भी ये सारे वर्ण से बने हुए शब्द बता चुके हैं, और आज फिर हम आपको एक बार रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं, है ना। तो देखिए इसकी कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हमने क्या बनाया, कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, ये है स वर्ण, कौन सा वर्ण दिखाई दिया, स, है ना। और स देखिए फ्लैश कार्ड में कहां बना हुआ है, ये है हमारे पास फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड में ये स वर्ण बना है, और स से कौन कौन से शब्द बनते हैं बताइए, स से सड़क, स से सर्कस, है ना, और सा से और क्या क्या बनेगा, सा से सब्जी, और सा से सपेरा। इस प्रकार से सा से बहुत सारे और भी शब्द बनते हैं। तो देखिए इसकी भी हमें प्रैक्टिस करना है, किस प्रकार से देखिए, स स स, ओके, इस प्रकार से स वर्ण की ये प्रैक्टिस हुई। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसे देखिए, इसे भी हमें क्या करना है, बिंदु बिंदु को मिलाकर कंप्लीट करना है। क्या बना बच्चों बताइए, बिंदु बिंदु को मिलाने पर ये कौन सा वर्ण बना, ये है हा। क्या बना, हा, और हा से कौन कौन से शब्द बनते हैं बताइए, हा से हल्दी, हलवा, हल, और हा से क्या बनता है, और हा से हथौड़ा, है ना, कौन कौन से शब्द बताए हमने, हल, हल्दी, हथौड़ा, और हलवा, ओके। इस प्रकार से इसे भी हमें प्रैक्टिस करना है, ये इस प्रकार से इसे लिखना है, देखिए Yes. तो समझ में आया सभी को, आज के क्लास वर्क में हिंदी अभ्यास पत्रक में क्या था, लिखिए और पढ़िए, लिखिए और पढ़िए में क्या था, कुछ वर्ण दिए हुए थे, और ये वर्ण बिंदु बिंदु के द्वारा बने हुए थे, और इन बिंदु बिंदु को मिलाकर वर्णों को लिखना था और उसको पढ़ना था। तो देखिए सबसे नंबर वन में क्या दिया हुआ है, नंबर टू र, नंबर थ्री ल, नंबर फोर व, नंबर सिक्स स, एंड नंबर सॉरी फाइव स, और नंबर सिक्स में ह। ये आज वर्ण हमने लिखा और पढ़ा। अब इस प्रकार से आज का हमारा क्लास वर्क कंप्लीट, एंड होमवर्क, होमवर्क में क्या करना है बच्चों, होमवर्क में देखिए, होमवर्क देख कर लिखिए, देख
नंबर टू स फोर टाइम्स, नंबर थ्री र फोर टाइम्स, नंबर फोर व फोर टाइम्स, नंबर फाइव ल फोर टाइम्स एंड नंबर सिक्स ह फोर टाइम्स। ओके, इस प्रकार से इन वर्णों को देख करके आपको लिखना है फोर फोर टाइम्स आपकी अपनी हिंदी की नोटबुक में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास वर्क कंप्लीट एंड होमवर्क में इतना वर्क हमें दिया है, इसे आपको कंप्लीट करना है और ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 35 में थीम 6 की बुक में सारा वर्क दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, तो जितना हमने दिया है ये आप अपनी बुक में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे, इसे राइट एंड लर्न करेंगे एंड हमें सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।